Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविजन की वन ऑफ द टैलेंटेड एंड गुड लुकिंग एक्ट्रेस में से एक पारस कलनावत की, जिन्होंने कम समय में टेलीविजन पर एक खास मुकाम बना लिया है। टीवी पर पहली बार पारस 2016 में एक एपिसोडिक शो ऐ जिंदगी में नजर आए, जिसके बाद बैक टू बैक पारस कई पॉपुलर शोज एंड वेब सीरीज में फीचर हुई, जिनमें से ज्यादातर शोज में पारस एक लवर बॉय कैरेक्टर में दिखे, जहां उनके साथ बनाई गई ऑन स्क्रीन पेयरिंग्स ने दर्शकों का ध्यान बखूबी अपने तरफ खींचा, जिनमें से कुछ जोड़ीज तो काफी पॉपुलर भी रही। वेल दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं अभिनेता पारस कलनावत के साथ बनाई गई बेस्ट जोड़ीज की रैंकिंग्स। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 10 से, जहां सीरियल लाल इश्क के एपिसोड मायावी सेप से पारस संग एक्ट्रेस एबिगेल जेन की पेयरिंग, जहां इस हॉरर रोमांटिक शो के इस एक दिन के एपिसोड में हमें हॉरर एलिमेंट के साथ साथ दोनों के बीच एक खास केमिस्ट्री भी देखने को मिली थी। वेल दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 9 की, जहां एपिसोडिक शो ऐ जिंदगी से पारस के अपोजिट तानिया शर्मा की पेयरिंग, जहां लव स्टोरीज पर बेस्ड इस शो की एक रोमांटिक स्टोरी में पारस कलनावत और तानिया शर्मा साथ में फीचर हुए थे और दोनों की ही केमिस्ट्री साथ में काफी अच्छी निकल कर आई थी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 8 की, चाहे वेब सीरीज दिल ही तो है सीजन 2 से पारस के साथ पलक परसवानी की पेयरिंग, जहाँ दोनों के बीच एक कूल फ्रेंडशिप देखने को मिली जो धीरे धीरे लाइकिंग में चेंज होती है, जहाँ पलक और पारस के बीच के मोस्ट ऑफ द सीन्स काफी क्यूट, लाइट हार्टेड एंड फनी होते थे। वेल दोस्तों, अब चलेंगे रैंक नंबर 7 की तरफ, जहाँ पारस की वेब सीरीज इश्क आजकल से पारस की अपोजिट अंकिता शर्मा की पेयरिंग, जैस रोमांटिक थ्रिलर शो में पारस ने एंटी हीरो फराज के कैरेक्टर को निभाया था, जो कि शो की हीरोइन आलिया को काफ़ी पसंद करता है और धीरे धीरे उसके लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाता है। वही आलिया को फराज पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इन दोनों के कैरेक्टर्स के बीच के टशन में भी एक खास केमिस्ट्री देखने को मिली। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रैंक नंबर 6 की, जहाँ सीरियल अनुपमा से पारस के अपोजिट अलमा हुसैन की पेयरिंग, जहाँ दोनों समर और सारा के कैरेक्टर्स में थे, जहाँ समर और सारा की फ्रेंडशिप ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही थी और धीरे धीरे इनका बॉन्ड शो में प्रोग्रेस भी कर रहा था, पर पारस के क्विट करने के कुछ दिनों के बाद अलमा ने भी शो को क्विट कर दिया और इसके मेकर्स ने इन दोनों की लव स्टोरी ट्रैक को भी स्क्रैप कर दिया। वेल दोस्तों, अब चलेंगे रैंक नंबर 5 की तरफ, जहाँ है वेब सीरीज दिल ही तो है सीजन 3 से पारस के अपोजिट पौलोमी दास की पेयरिंग, जहाँ आप देखते हैं कैसे दोस्ती से शुरू हुए शिवम और अनन्या का रिश्ता प्यार में बदल जाता है, जहाँ दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी हॉट एंड सिजलिंग नजर आई थी। तो दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 4 की ओर, जहाँ सीरियल मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव से पारस के साथ प्रियंका कंडवाल की जोड़ी, जहाँ इस शो में ये दोनों रेहान और मेहर के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर्स में थे, जिनकी फैमिली के बीच रिश्ते सही नहीं होते, लेकिन फिर भी ये दोनों के मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, जहाँ दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे और ये दोनों ही गुड लुकिंग फेसेस एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट भी किए। तो दोस्तों, अब चलते हैं रैंक नंबर 3 की तरफ, जहाँ पारस की फर्स्ट शो मेरी दुर्गा से पारस की अपोजिट एक्ट्रेस सृष्टि जैन की पेयरिंग, जहाँ दोनों संजय और दुर्गा की लीडिंग कैरेक्टर्स में थे, जिनके बीच बचपन में गलत फहमियाँ होती है और इनके बड़े होने तक ये रहती है, जिस वजह से दोनों के बीच शुरुआत में तनाव देखने को मिलता है, पर आगे इनके बीच की जब गलत फहमियाँ दूर होती है तब इनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है, जहाँ ऑडियंस को दुर्गा और संजय के बीच के ब्यूटीफुल रोमांटिक सीन्स काफ़ी पसंद आते थे और दोनों की पेयरिंग को भी ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 2 की तरफ, जहाँ सीरियल अनुपमा से पारस के अपोजिट अनागा भोसले की पेयरिंग, जहाँ पहली नज़र में ही समीर नंदिनी को दिल दे बैठता है और दोनों के बीच एक अच्छी सी दोस्ती की शुरुआत भी होती है, जहाँ शुरुआत में अपनी शॉर्टकमिंग्स के वजह से नंदिनी समर के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, पर धीरे धीरे समर और वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, जहाँ ऑडियंस को समर और नंदिनी के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद आई और इनकी जोड़ी को भी ऑडियंस का जबरदस्त सपोर्ट भी मिला, जिस वजह से पारस और अनागा की ये जोड़ी टीवी पर हिट रही। वेल दोस्तों, फाइनली बात करेंगे पारस के कैरियर की जोड़ी नंबर 1 की, जहाँ पर ये सीरियल कुंडली भाग्य जनरेशन 2 से पारस के अपोजिट सना सैयद की ब्यूटीफुल पेयरिंग, जहाँ आफ्टर जनरेशन लीव पारस को एज अ लीड
राजवीर इंट्रोड्यूस किया गया और उनकी अपोजिट लव इंटरेस्ट के कैरेक्टर में सना को एस पलकी इंट्रोड्यूस किया गया, जहां राजवीर और पलकी की पहली मुलाकात से ही दोनों के बीच कुछ ऐसी केमिस्ट्री स्पार्क हुई कि इन दोनों की पेयरिंग अपने फर्स्ट एपिसोड के साथ ही ऑडियंस के दिलों को जीतने में कामयाब रही। वह राजवीर और पलकी के बीच कई ब्यूटीफुल एंड हार्टवार्मिंग सीन्स दिखाए जाते हैं। इनकी क्यूट सी नोकझोंक ऑडियंस के दिलों को जीत भी रही है और इस सक्सेसफुल जोड़ी के फैंस प्यार से इन्हें हैशटैग पलवीर भी बुलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अभिनेता पारस कलनावत के साथ बनाई गई टॉप 10 ब्यूटीफुल जोड़ीज। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से पारस के साथ किस एक्ट्रेस की पेयरिंग को आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।